इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि द्वारका में, जहाँ पर तूफान बिपरजॉय का असर दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और लहरें, हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर समंदर में हलचल बढ़ चुकी है। ये डेंजर का बोर्ड आपको हर जगह ऐसे ही दिख जाएगा, ये चेतावनी है यहाँ पर। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी तरफ यहाँ पर हवा की रफ्तार बढ़ चुकी है, पूरा इलाका इस वक्त वीरान है, सुनसान नजर आ रहा है, क्योंकि तूफान बिपरजॉय, जिसका मतलब ही आपदा होता है, ये बेहद चुनौती भरा दिन है आज गुजरात के लोगों के लिए, खासकर 8 जिले और जिसमें सबसे अहम है कच्छ जिला। इसके अलावा अगर हम बात करें द्वारका जिले की तो ये भी सबसे अहम है। यहाँ पर टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ पर ये लहरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा खराब है और हमारे लिए भी स्थिति काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आज तक, क्योंकि हम 3 दिनों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें हमने नहीं देखी हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो मंजर इस वक्त है, इसे ट्रेलर कहा जा सकता है, क्योंकि दोपहर 3 से 5 बजे का वक्त होगा जब तूफान टकराएगा। हालांकि अभी जो मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान की दिशा वही है, क्या ये द्वारका के कोने से निकल जाएगा या फिर द्वारका में इसका असर तो होगा, ये बात तो साफ है, क्योंकि जकाऊ अभी बताया जा रहा है जहाँ पर लैंडफॉल होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इस वक्त स्थिति बनी हुई है, स्थिति भयावह है, स्थिति परेशान करने वाली है, स्थिति चुनौती भरी है कि यहाँ पर कोई भी जनहानि ना हो, यहाँ पर स्थिति ना बिगड़े, यहाँ पर लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है और द्वारकाधीश अपने क्षेत्र की रक्षा हमेशा करते हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित ये नगरी है, ऐसे में लोगों की अटूट आस्था है कि उनके ऊपर असर नहीं होगा, और इसीलिए हमने देखा कि द्वारकाधीश मंदिर को हालांकि आज के लिए एहतियातन बंद किया गया है। उधर आप देख लीजिए, जो लोग भी पहले द्वारका आए हैं, ये जो लहरें हैं, जिस तरीके से ये मंदिर के यहाँ पर प्रांगण तक पहुँच रही हैं, ये वाकई अपने आप में परेशान करने वाली स्थिति है। यहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति से वो नहीं गुजरे हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पर जब आप खड़े होते हैं तो सुखद एहसास होता है समंदर को देखना, लेकिन आज समंदर को देखना डराने वाला है। आज समंदर को इस तरीके से लहरों को देखना परेशान कर रहा है, ये किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एनडीआरएफ की मुस्तैदी है, एसडीआरएफ की मुस्तैदी है, कोस्ट गार्ड मौके पर मौजूद है, नेवी है, सेना के यहाँ पर टीम पूरी मौके पर मौजूद है, ताकि हर परिस्थिति से निपटा जा सके, क्योंकि हम भी खतरे को भांपते हुए आगे नहीं जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो से तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देखेंगे, क्योंकि कल जो ये सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं, अगर मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आपको दिखा पाए, यहाँ से नीचे लोग जाते थे, लेकिन वहां पर अभी जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। और जिस तरीके से ये इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, जिसकी अब जो है ये 25 से 30 फीट की है, ये वाकई परेशान करने वाला है, और इसका असर गुजरात के 8 जिलों में तो होगा, इसके अलावा बाकी अगर हम देश के बाकी राज्यों की बात करें तो वहां पर भी बारिश होगी, खासकर राजस्थान में इसको लेकर के असर देखने को मिलेगा। और वाकई ये जो भी, क्योंकि आज तीसरा दिन है हमारा ग्राउंड जीरो पर, और आज हमारे लिए सबसे चुनौती है, हमारे लिए भी चुनौती है, क्योंकि जैसी इस वक्त परिस्थिति है यहाँ पर, जो हवा की गति है, हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि जब दोपहर का वक्त होगा, जब हवा की रफ्तार 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, तो उस वक्त क्या मंजर होगा आप देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये बड़े बड़े चेतावनी के बोर्ड है, मेरे ठीक पीछे ही है, यहाँ पर ये चेतावनी का बोर्ड है, जिस तरीके से बोर्ड हिल रहा है, अगर 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखाएं तो किस तरीके से वहां पर आप देखेंगे कि विकास, अगर आप दिखा पाए, वो पेड़ जैसे हिल रहे हैं, जो यहाँ पर घर है इनको भी नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे में लोग सुरक्षित इलाकों पर चले गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है, और इधर ये समंदर है, ये जो अरब सागर इसका केंद्र है, अरेबियन सी में ये केंद्र है, और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो चक्रवात अब तेजी से आ रहे हैं, जो अभी आज की आधुनिक तकनीक है, सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो चिंताजनक है, वो परेशानी को बढ़ा रही है। हालांकि पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए तैयारी यहां पर कर दी गई है, कंट्रोल रूम 24 घंटे बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम के जरिए पल पल की स्थिति की नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी जिलों की, खासकर हम बात करें इससे जो द्वारका से सटे हुए जिले हैं, जिसमें हम बात करें पोरबंदर की, हम बात करें राजकोट की, हम बात करें जूनागढ़ की, वहां पर प्रभाव कम होगा।